अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद तैयब अब्बास और आज हाज़र हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि आपका रमज़ान बेहतरीन गुजर रहा होगा जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हैं। और परदेसियों का तो जैसा रमज़ान होता है वो परदेसियों को पता होगा, जो परदेसी हैं, ठीक है ना, जो परदेस में रहते हुए वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही यूनिक है। इसमें कुछ स्टोरी आपको बतानी है अपनी कि क्या हालात वाकयात हुए मेरे साथ और जो मेरा सैलरी का प्रोसेस हुआ, कैसे मीन के काम कितने चेंज किए और क्या सिलसिला होता है। और साथ में आपको थोड़ी सी ये भी बात बताने की कोशिश करूँगा कि प्रदेश में आके आपको किस तरह की जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ सकती है और ख़ास करके रोमानिया के बारे में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, बात कुछ इस तरह है कि रोमानिया के अंदर दो तरह के लोग हैं, ठीक है ना। पाकिस्तानी जो हम आए हैं उनमें दो तरह लोगों के साथ दो तरह के काम हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत जो बहुत सी अच्छी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, मीन के जिनको बहुत ही अच्छी कंपनीज मिली हैं आते सार ही, और अभी तक वो उन्हीं के अंदर हैं। उन्हें साल साल दो दो साल हो गए हैं और वो काम कर रहे हैं और वो बहुत खुश हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बहुत सी उम्मीदें लगा के आए थे, जिनका आगे जाने का मूड तो नहीं था, लेकिन यह है कि उनको एयरपोर्ट से कंपनी भी रिसीव करने नहीं आई। और इस तरह की सूरत हाल में फिर मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने सर्वाइव करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सके, और उनके पास आखिरी हाल जो है वो यहाँ से आगे मूव करना ही था, ठीक है। तो बात बताने का आपको मकसद ये है कि आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान से बहुत से लोग जो है वो एजेंटी का काम हो रहा है, ठीक है। और फूड, कल परसों मुझे एक मैसेज आया हुआ था कि फूड डिलीवरी के काम के हवाले से भी आप वीडियो बना दें, जो आजकल फूड डिलीवरी के काम पे जो वीज़ाज मिल रहे हैं उनका क्या सीन है। तो दोस्तों, बात यह है कि जो फूड डिलीवरी के वीज़ाज मिल रहे हैं ना, उनमें भी कुछ कंपनीज ठीक हैं और कुछ फेक भी हैं। कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो सिर्फ बनी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो ठीक हैं, जो आपका मीन के आपको सही काम, आपका सैलरी वगैरह, आपको सारा कुछ ठीक तरीके से आपके साथ तावुन करते हैं। और कुछ ऐसी भी हैं कि जो आपको TRC कार्ड वगैरह नहीं बनवा के देते। अभी कल परसों मुझे एक बंदे का मैसेज आया हुआ था, वो फूड डिलीवरी का ही काम कर रहे हैं और तकरीबन वो एक रूम में 11 लोग रह रहे हैं। वो मुझे ये बता रहा था कि हम एक रूम के अंदर 11 लोग हैं और अभी तक TRC कार्ड का हमें कोई कन्फर्म नहीं है और सैलरी भी हमारी पूरी सी है। तो दोस्तों, इस तरह की सिचुएशन जो है वो आपके साथ हो सकती है। आपने इन सारी चीज़ों के लिए जो है वो तैयार रह के फिर ही आपने मीन के वहाँ से मूव करना है पाकिस्तान से, ठीक है। और बाकी यह है कि अगर कंपनी TRC कार्ड ना बना कर दे तो इसके ऊपर मैंने अभी वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इससे पिछली वीडियो वही थी। और दूसरी बात यह है कि आप पाकिस्तान से अगर आ रहे हैं तो आप अपना माइंडसेट बना कर आएँ, ठीक है। यहाँ पे आके आपको किसी भी तरह की मुश्किल को जो है वो फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। और पहली बात तो ये है कि मैं यही कहता हूँ कि यार, आप जिस भी एजेंट के थ्रू आ रहे हैं, जिस भी बंदे के थ्रू आ रहे हैं, आप उसके साथ बात करके आएँ, सारी चीज़ों की कन्फर्मेशन करके आएँ TRC कार्ड की। हाँ, अगर आपने यहाँ से आते ही आगे मूव करना है तो फिर ये सारी चीज़ें आपके लिए जो है वो मैटर नहीं करती। तो दोस्तों, अब चलते हैं अगली बात की तरफ। हमारे साथ क्या सीन हुआ रोमानिया में जब मैं आया, तो कैसे जो सफ़र स्टार्ट हुआ सैलरी वाला, तो वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन यह है कि आप लास्ट तक देखिएगा, फिर ही जो आपको सारी बातें समझ आ सकेंगी। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा सीन हो जाए, लेकिन यह है कि पहले कुछ जो कानून थे वो थोड़े से नॉर्मल थे, तब इतनी सख्ती नहीं थी, लेकिन यह है कि अब थोड़ी सी सख्ती है, तो इस वजह से शायद जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिली वो हो सकता है अब इन फ्यूचर लोगों को ना मिले, ठीक है। लेकिन फिर भी जिसने काम करना हो उसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती ही हैं। तो दोस्तों, हमारा जो मेरा सफ़र स्टार्ट होता है वो होता है जब मैं पाकिस्तान से आया, तो जिस कंपनी में हम आए थे, तो दोस्तों वहाँ पे सैलरी तो हमें तकरीबन 2200-2300 ले बताई गई थी यहाँ की करेंसी की। लेकिन जब हम आए तो हमारे एजेंट ने हमें बताया कि जी आपको तकरीबन जो है वो सिर्फ 1300 ली ही मिलेगा, जो तकरीबन 250 यूरो बनता है, ठीक है, वही मिलेगा। और 4-5 महीने जब तक आपका TRC कार्ड नहीं बनता वही मिलेगा, फिर उसके बाद आप डायरेक्ट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कीजिएगा तो फिर आपकी सैलरी अच्छी होगी। तो दोस्तों, मुझे तो इतना कोई खास इलम नहीं था, तो लेकिन ये था कि जो जिस कंपनी में मैं आया था वहाँ पर कुछ लोग पहले से थे, ठीक है, 2-4 लोग थे, भाई थे समझ लें कि उनका बहुत ही हमारे साथ तावन रहा। तो हम टोटल जो है वो तकरीबन 6 लोग हो गए जो हमने फैसला किया कि हमने ये कंपनी छोड़नी है और कहीं और मूव होना है।
ठीक है। तो TRC कार्ड का जैसा कि मैं आपको हर दफ़ा बताता हूँ, तो जो मेरा पाकिस्तान से एजेंट था मैंने उसी के साथ बात कंफर्म की थी कि भाई मेरा TRC कार्ड आपने बनवा के देना। तो फिर जब हम कंपनी छोड़ने लगा था मैं, तो मैंने उससे बात कंफर्म की कि भाई तुमने मेरा TRC कार्ड जो है वो लाजमी बनवाना है, ठीक है। तो वो दोस्तों बात करके हम यहाँ से 6 लोग निकले, तो 250 यूरो तो सैलरी समझ में नहीं थी आती। तो हम यहाँ से तिमिशोर तुर्दा गए, ठीक है, ये कंट्री है, शहर है रोमानिया का ही, तुर्दा हम गए। तो दोस्तों वहाँ पे सैलरी भी ठीक थी, सारे मामला ठीक थे, हमने 2 दिन काम किया। तो तीसरे दिन वहाँ से जो है वो मामलात ख़राब हो गए, डॉक्यूमेंट्स का कोई इशू बना, तो जिसकी वजह से हमें वहाँ से तीसरे दिन ही काम छोड़ के आना पड़ा। और हम 6 लोग थे, फिर हमें जो है वो रहाइश वगैरह भी नहीं थी, तो फिर हमने दोस्तों यहाँ पे रहाइश का अरेंज किया, ठीक है, पैसे थोड़े बहुत करके जैसे भी हमने किया। 500 यूरो मेरे ख्याल से रहाइश का था 1 महीने का, तो वो दोस्तों हमने इकट्ठा करके तो हमने रहाइश का अरेंज किया, रहाइश में गए, ठीक है। तो फिर इसी तरह कोशिश की, कुछ लोगों से बात हुई, कुछ दोस्त थे, तो TRC कार्ड की तो मेरी पहले ही बात थी उस बंदे के साथ कि उसने बनवा के देना है। तो उस कंपनी में भी हम गए थे, तो उनको मैंने यही बोला था कि मेरा TRC कार्ड बन जाएगा, ठीक है। तो फिर दोस्तों जब हम यहाँ पे वापस आ गए बुकारेस्ट में, रहाइश ली, रहाइश लेने के बाद फिर देख रहे थे कि काम क्या करें, फिर जिसे कॉल करें, जिसे मैसेज करें, वो यही कहता था कि भाई आपका TRC कार्ड जो है वो होना लाजमी है, ठीक है। तो TRC कार्ड का तो अब हम इंतज़ार करने से रहे, वो 1-2 महीने की गेम थी। तो फिर बात सीन ये हुआ कि यहाँ पे एक दोस्त था जो हमारे साथ, जो हम 6 थे उसमें से एक दोस्त था, उसका एक दोस्त वाकफ़ निकला, तो उसने बोला कि यार एक जगह पे काम है, वहाँ पे दिहाड़ी वाला सीन होगा, तो TRC कार्ड की ज़रूरत नहीं है, तो हम चलते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों वो वेल्डिंग का काम था, तो वो पाकिस्तानी एक भाई हैं अरबाब भाई, उनके पास वो काम था। तो दोस्तों मैं तकरीबन Sector 5 से Sector 2 में आना होता था, तो मैंने 1 महीना वो जॉब की, ठीक है। 1 महीने के अंदर 100 रुपया सिर्फ वो मिलता था एक दिन का, लेकिन ये था कि 15 से 16 घंटे का वो सारा काम होता था। 12 घंटे ड्यूटी होती थी, 2 घंटे आने के होते थे, 2 घंटे जाने के होते थे, ठीक है। लेकिन ये है कि वो मुश्किल एक काम था, TRC कार्ड भी नहीं था बना हुआ, तो उस वक्त कहीं और पे जगह पे जॉब भी नहीं मिल रही थी, तो सोचा अब इससे बेहतर कुछ नहीं मिल सकता, तो लिहाजा इसी के ऊपर मेहनत की जाए, ठीक है। तो दोस्तों वो मेहनत करने के बाद आखिरकार जब TRC कार्ड तो अप्लाई हो गया, अपॉइंटमेंट वगैरह आ गई, अप्लाई हो गया, तो उसके बाद जिस रहाइश में हम थे वहीं से कुछ लोग पाकिस्तानी थे, वो एक फ्रूट वाली फैक्ट्री में काम के लिए जाते थे, तो हमने उनके आनर के साथ बात की, तो वो उस कंपनी का जो मालिक था वो भी हमें ले गया। तो दोस्तों वहाँ पे फिर हमारी रहाइश वगैरह उसके साथ कन्वर्ट हो गई, तो तकरीबन हमने मुख्तसर ये है कि 2 महीने उसके साथ काम किया। वहाँ पे भी सैलरी ठीक थी, 2500 सैलरी थी, ठीक है, प्लस आवर टाइम था, लेकिन ये था कि ड्यूटी टाइम बहुत ख़राब था और सारे मामला में इनके कुछ बेहतर नहीं थे, बस काम चल रहा था। तो 2 महीने वहाँ से फिर दोस्तों बात असल मसला ये बना, TRC कार्ड तो हमारा गया बंद, ठीक है, लेकिन ये था कि वो बंदा हमारे साथ ना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था और ना ही हमारा टैक्स पे कर रहा था। तो हमने सोचा कि यार ये जो सीन है ये नहीं चलेगा, लिहाजा हमें जो है वो काम चेंज करना होगा। तो दोस्तों हमने वहाँ से काम छोड़ा, जो हम 6 थे, 6 में से 4 लोग तो तकरीबन जो है वो आगे चले गए, ठीक है, 3 लोग आगे चले गए, इटली मूव कर गए, ठीक है, और हम 3 रह गए। तो 3 में से भी एक और जगह पे चला गया, तो हम 2 रह गए, ठीक है। तो दोस्तों वो हमने काम छोड़ा, तो यहाँ पे एक रहाइश है, वहाँ पे डेली बेस पे हम पे कर सकते हैं, तो वो हमने पे करना शुरू किया। उस रहाइश पे हम आए, हालांकि हमें काफ़ी मुश्किल लगा, लेकिन ये वहाँ पे हम आए, हमने काम ढूंढना शुरू किया, ऐसे ही लोगों के साथ, दोस्तों के साथ नंबर मिलाने शुरू किए, तो फिर हमें एक जगह पे काम मिला। तो वो दोस्तों जो काम था वो था सर्विस स्टेशन का काम, ठीक है, तो वो भी बुकारेस्ट से थोड़ा सा दूर था, तो हम 2 दोस्त थे, तो हम वहाँ पे भी चले गए। तो वहाँ पे जो सैलरी थी दोस्तों वो 2000 सैलरी थी, तकरीबन 400 यूरो सैलरी थी, प्लस फूड था और अकोमोडेशन थी। और वहाँ पे भी हमने तकरीबन 3 से 4 दिन काम किया, तो लेकिन यह कि वो भी काम हमें समझ में नहीं आया, वो कॉन्ट्रैक्ट तो बंदा कर रहा था, लेकिन ये था कि वो काम कोई हमें खास समझ में नहीं आया। 11 घंटे ड्यूटी थी और 1 छुट्टी थी, ठीक है, जो छुट्टी थी वो भी सोमवार वाले दिन की थी, तो बिल्कुल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम नहीं था, तो इस वजह से हमें जो है ना वो समझ में नहीं आया, वो छोड़ के आए। उसके बाद दोस्तों फिर जो मैंने काम स्टार्ट किया वो काम था शुआरमे का, ठीक है, शुआरमा मेकिंग काम था, मीन के जो शुआरमा का गोश्त होता है वो लगाना होता था,
ठीक है, वो हमने स्टार्ट किया तो वहाँ पे भी सैलरी जो थी वो तकरीबन 1800 से 2000 ले थी, और खाना कंपनी का था और रहायश कंपनी की थी, ठीक है, और वो भी जो काम था दोस्तों वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तो हो रहा था, लेकिन ये था कि वहाँ पे भी हमारे काम समझ में नहीं आया। उसमें ये था कि उसमें वो सुअर वगैरह का जो गोश्त होता है वो भी साथ करना पड़ता था, तो जो हम दो थे, दो में से एक ने छोड़ दिया काम, उसने वो कर रहा था मुसलसल, उसने कहा भाई मैं नहीं छोड़ूंगा, तो मैं दोस्तों वो छोड़ के काम आ गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद दोस्तों ये सीन हुआ, फिर वही रहायश के ऊपर मैं चला गया वापस, ठीक है, और उसी रहायश के ऊपर जाने के बाद फिर लोगों के साथ रबते शुरू हुए और लोगों के साथ बातें करना, काम ढूंढना शुरू किया कि यार किसी अच्छी जगह पे काम मिल जाए। तो दोस्तों ये जो प्रदेश की जो होती है ये स्ट्रगल होती है, ये बंदे को जो है वो अगर बंदा माइंडली तौर पे इसके इस चीज़ के लिए तैयार हो तो फिर ही बंदा ये चीज़ें कर सकता है, ठीक है। तो आप भी आ रहे हैं तो आपने भी इसके लिए, इन चीज़ों के लिए तैयार रहना। हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आते सार ही जिस कंपनी में आए थे उनकी कंपनी अच्छी है, अभी तक वो उसी में काम कर रहे हैं, लेकिन यह है कि हो सकता है कि आपके साथ भी कुछ इस तरह के मामला हो जाएं जैसे ये हमारे साथ हुआ, ठीक है। तो दोस्तों वो शवारमे वाला काम छोड़ के आए, तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने एक सबब बनाया, जिस कंपनी में मैं अभी काम कर रहा हूँ इस कंपनी में हमने आके इंटरव्यू दिया, वहाँ पर लड़का था उसने बोला यार जाना, तो मैंने कहा चलो जाना तो चलते हैं, मैंने कहा चलो यार चलते हैं, तो हम इधर आ गए, इधर आके इंटरव्यू दिया, तो इन्होंने बोला कि जी आपका वर्क परमिट निकलेगा 2 महीने तक, ठीक है, उतनी देर तक आपने फारग बैठना है, तो जब वर्क परमिट आएगा फिर हम आपको काम लगवाएंगे, ठीक है। ये भी एक एजेंसी के थ्रू हम इस जगह पर काम पर आए, और लेकिन ये था कि अल्लाह ताला की ज़ात ने ये आसरा बनाया, एक ये मौका दिया मुझे, ठीक है। तो मैं इन लोगों को नहीं जानता था जिनके साथ मैं काम पे आया इस जगह पे। तो फिर जो वो 2 महीने थे दोस्तों, उस 2 महीने के अंदर भी बहुत से काम किए, कंस्ट्रक्शन का काम किया, उसके बाद एक जगह पे कैचअप वगैरह और अचार वगैरह की पैकिंग होती थी वो भी काम किया, ठीक है। तो वो जो 2 महीने थे वो भी काफ़ी मुश्किल से गुजरे, लेकिन ये था कि यार अब एक जगह पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे जो जिस जगह पे मैं अभी काम कर रहा हूँ फर्नीचर का काम कर रहा हूँ, ये मैं इंशाल्लाह आपको किसी दिन दिखाऊंगा अभी क्या सिलसिला होता है यहाँ पे काम का। तो दोस्तों सीन ये है कि यहाँ पे जो काम हुआ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो उम्मीद एक लगी कि यार यहाँ पे जो है वो ओरिजिनल काम होगा सारा, 8 घंटे ड्यूटी है, 2 छुट्टियाँ होंगी, ठीक है, और सैलरी भी तकरीबन ठीक थी, 500-600 जो है वो 500 यूरो सैलरी थी, ठीक है, और तकरीबन 600 ली जो है वो 500 ले खाने का था, और रहायश कंपनी की थी, 8 घंटे ड्यूटी थी, तो ये हमें बड़ा बेनिफिट हुआ। मैंने सोचा कि यार अब जो है वो काम चलेगा। तो जो वो 2 महीने थे जब तक वर्क परमिट आना था, तो उस 2 महीने में भी काफ़ी स्ट्रगल हुई, फिर अल्लाह की ज़ात ने चाहा तो पिछले रमज़ान में तकरीबन हम इसी कंपनी में थे, ठीक है, और आज ये रमज़ान आ गया, तकरीबन इस कंपनी में मुझे 1.25 साल हो रहा है, 1 साल 2-3 महीने हो रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों इतनी कोशिशों के बाद अल्लाह ताला की ज़ात ने करम किया, अब जहाँ पे मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 600 यूरो सैलरी है, उसके बाद क्या उसको कहते हैं प्लस फूड का जो है वो भी 150 यूरो 125 यूरो खाने के भी मिलते हैं, जिस रहायश में हम रह रहे हैं वो रहायश का भी किराया तकरीबन एक बंदे का 150 यूरो बनता है, ठीक है, 150 यूरो खाने का, 150 यूरो रहायश का, और उसके बाद 600 यूरो सैलरी, ये तकरीबन 200 जो बनता है 900 यूरो बनता है, अगर प्लस आवर टाइम डाल लें तो 1100-1100 यूरो बन जाता है, उसमें बच बचा के कुछ भी बंदा 700-800 यूरो अल्हम्दुलिल्लाह जो बंदा कवर कर जाता है। तो ये सारे मामला जो हुए जी दोस्तों इतनी स्ट्रगल के बाद हुए, और अगर आप भी प्रदेश में आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, वहाँ पे आपके साथ आपको बहुत सारे मामलात दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं कि यार वहाँ पे जाके ये सीन होगा, ये सीन होगा, लेकिन कई दफ़ा इस तरह के मामलात होते हैं कि आपको यहाँ पे आके बहुत सी चीज़ों का जो है वो अक्स मीन के और ही नज़र आता है। तो ये सारी दोस्तों कहानी थी जो आपको सुनाई है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है, जिन्होंने लास्ट तक देखी है वो कमेंट में लाजमी बताइएगा कि हमने लास्ट तक देखी है। मैं सोच रहा था कि यार इसको जो है ना वो 2 पार्ट में करूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा ये ऐसे ही बेहतर रहेगी, ठीक है, जिसने देखनी हुई वो देख लेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, प्रदेश में आए लेकिन यह है कि कोई ना कोई हुनर सीख के आएँ, अपना माइंडसेट एक बना के आएँ, और सेटल होने का जो है वो मुश्किलात का सामना करने का भी जो वो अपना जिगरा इतना बड़ा करके आएँ कि हो सकता है आपको बहुत सी चीज़ों को यहाँ पे आके फेस करना पड़े, लेकिन बेसिक जो है वो अपना कोई ना कोई हुनर कोई काम सीख के आएँ, ठीक है, जो आके आपको यहाँ पर ज़्यादा धक्के ना खाने पड़े, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ
कि वीडियो व्लॉग आपको पसंद आया होगा। रमज़ानुल मुबारक का महीना, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा अपनी में, ठीक है, मैं भी आपको रखूँगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।